आखिर कैसे बनी श्री राधा राधा रानी। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सखियां बहुत क्रोधित हुई जब उनको ये बात पता चला कि श्री कृष्ण के सखाओं ने श्री कृष्ण को ब्रजधाम का छत्रपति के रूप में सम्मानित किया है। क्रोध के मारे ललिता सखी कहती है कि वो कौन व्यक्ति है जो श्री राधा के राज्य में अधिकार करने का दावा करता है, वो कौन शख्स है, उसके खिलाफ हम अभियान करेंगे। और फिर सखियों ने राधा रानी को एक सुंदर सिंहासन में बिठाया और श्री राधा रानी को वृंदावन की निर्विवाद रानी घोषित किया। फिर चित्रा सखी ने श्री राधा के सर पर छत लगाया, विशाखा सखी ने श्री राधा को पंखा जला और ललिता जो अब श्री राधा की मंत्री बन चुकी थी वो श्री राधा की बाई ओर बैठ गई। एक सखी ने सुपारी की पेशकश की और बाकियों ने श्री राधा के प्रजा के जैसा अर्थात श्री राधा रानी के राज्य के लोगों के जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। और फिर श्री राधा ने कहा, जाओ तुम लोग उस व्यक्ति को रस्सियों से बांधकर लाओ जिसने मुझसे मेरा राज्य छीनने का प्रयास किया। और ये सुनने के बाद हजारों सखियां अपने हाथों में फूल के मालाओं की रस्सियां लेकर युद्ध के लिए निकल जाती है। श्री राधा के सखियों का एक टोली अपनी तरफ आते देख श्री कृष्ण के सभी सगा भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक था जिसका नाम था मधुमंगल, जो बहुत ही धीमी गति से भागता था। उसको सखियों ने पकड़ लिया और फूल के मालाओं से बांध कर राधा रानी के सामने पेश किया। और फिर कुछ गोपियां सेनापति के भूमिका निभाते हुए मधुमंगल के गालों में धीमी धीमी थप्पड़ मारते हुए पूछते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारी राधा रानी के संपत्ति पर गैर कानूनी रूप से अधिकार करने का, अब हम तुमको दंडित करेंगे। ये सुनने के बाद मधुमंगल श्री कृष्ण के पराजित सेना के जैसा कहता है, ये बात तो सही है, हम हार मान लेते हैं, लेकिन मुझे इस प्रकार से दंडित करे कि मेरा पेट पूरी तरह से भर जाए। माधुरी सखी के आदेश पर मुस्कुराते हुए सखियां जाती है और लड्डू लेकर आती है और मधुमंगल के मुंह में भर देती है। और इसके बाद मधुमंगल चला जाता है। और फिर मधुमंगल वापस जाकर श्री कृष्ण को सारी घटना बताता है। सारी घटना सुनने के बाद श्री कृष्ण मधुमंगल और बाल सखाओं के साथ जाकर उमराव जो श्री राधा रानी के राज्य का राजधानी है उस पर धावा मोल देते हैं। श्री कृष्ण को अपने सामने देख हमारी प्यारी राधा रानी शर्माने लगती है। हालांकि सखियों ने श्री राधा को बहुत बार मना किया ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो अब रानी थी और रानी को तो हमेशा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन श्री राधा वो भी क्या करे जब उनके सामने स्वयं उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण खड़े हो तो वो कैसे ना शर्माए। मधुमंगल ने राधा रानी के साथ श्री कृष्ण को बिठाया और संधि की जिसमें श्री राधा को निर्विवाद रानी मान लिया। मधुमंगल अपने हाथों को जोड़े श्री राधा से कहता है कि राधा रानी अब श्री कृष्ण का साम्राज्य आपके अधीन है। और इसके बाद सारी सखियां हंसने लगती है और इस प्रकार से वृंदावन के निर्विवाद रानी के रूप में श्री राधा रानी का अभिषेक हुआ था। दोस्तों अगर आपको हमारा ये छोटा सा कथा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे।